हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग दिखाई थी, उसी ब्लाउज की मैं अब स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखें। ये है हमारे प्रिंसेस कट के फ्रंट वाले दो पार्ट। इसको आमने सामने रखते हुए इसको हम सिलाई लगा कर लेंगे। यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा कर लेंगे। साइड में पाव इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब हमारी सिलाई हो गई है और ये जो साइड का हमारा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक में हमेशा ज़्यादा ही कट कर लेती हूँ तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं हो जाता है। बराबर कटिंग करेंगे तो कई बार कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा मेन फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लेती हूँ। चलिए इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट ज्वाइन हो गए। अब हम उसका दूसरा भाग इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे, सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आमने सामने रख के आप सिलाई लगाएंगे तो दोनों पार्ट एक जैसा होने की, मतलब एक जैसा नहीं होते। जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये पार्ट ज्वाइन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, कभी कभी दोनों पार्ट एक जैसे ही ज्वाइन हो जाते हैं, इसलिए आमने सामने रखेंगे तो एकदम बराबर आ जाता है। ये देखिए, ये भी ज्वाइन होके हो गया है। इसका भी हम साइड का जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको आपको कट कर लेना है और इसी तरह से आपको दूसरा पार्ट भी ज्वाइन करके ले लेना है। सेम इसी तरह से पाव इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको इसको सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेना है। ये 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज है। प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत जल्दी और इजी तरीका है ये बनाने का, बहुत जल्दी भी बन जाता है। ये देखिए, सिलाई लगा के हो गई है और दोनों पार्ट हमारे रेडी है। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं और ये दोनों पार्ट ज्वाइंट करते समय आपको हमेशा नीचे से ही ज्वाइंट करना है, क्योंकि ऊपर कम ज़्यादा हो जाता है तो भी हम आर्म होल कटिंग, फ्रंट वाला आर्म होल कटिंग करते टाइम नहीं कट किया था तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, तो उसके बाद में हम फ्रंट का आर्म होल कटिंग करेंगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा तो भी उसमें बराबर हो जाता है। इसलिए आपको प्रिंसेस कट का जब भी आप ब्लाउज बनाएं तो हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करें ज्वाइंट करने के लिए। नीचे से ज्वाइंट करेंगे तो कम ज़्यादा नहीं होता है, नीचे की लेंथ हमारी बराबर आ जाती है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी ज्वाइंट करके ले लेंगे। और इसको हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, दूसरा पार्ट भी हमारा ज्वाइंट करके हो गया है। अब हम इसको बीच में एक डॉट लगाएंगे। आगे वाली पट्टी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, इसलिए हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। और ये डॉट कितना इंच पे लगाने का है, जब हम सिलाई लगाते हैं कटिंग करते हैं उसी टाइम पर हम जो ऊपर से 10 इंच पर टक्स पॉइंट लेते हैं ना, उस वहाँ पर आपको ये डॉट लगाना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। ये शोल्डर से हमको ऊपर से 10 इंच पर टक्स पॉइंट लगाते हैं, वहाँ पर एक मार्क कर लेना है। देखिए ऐसे, और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच का हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। हाफ इंच का ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर ऐसे डॉट लगाएंगे।
और इससे पफ भी बहुत अच्छे से आ जाता है। देखिए कितना एकदम फिनिशिंग के साथ और मस्त एकदम पफ आया है। आप भी इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। ये देखिए अभी अब हम इसको हुक की पट्टी लगाते हैं। उससे पहले हम देखेंगे हमारे दोनों पार्ट सेम है कि नहीं। अगर आपका कम ज़्यादा हो तो आप उसमें कट कर सकते हैं, जो ज़्यादा पार्ट है वो थोड़ा सा कट कर सकते हैं। पहले हम इसके हुक की पट्टी लगाते हैं। हुक की पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है। यहाँ पर एक सिलाई लगा के उसके ऊपर दाब सिलाई लगा लूँगी और जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसको कट कर लूँगी नीचे से। और इसको थोड़ा सा फोल्ड करके फिर उसको उसके ऊपर एक दाब सिलाई लगाऊंगी। और साइड में भी एक सिलाई लगा लूँगी। और जो गले के साइड में ऊपर में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे हम। और नीचे के साइड में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो कट कर लेंगे। और इसको हम आई की पट्टी लगाते हैं। आई की पट्टी उल्टी साइड लगाना शुरू करते हैं और फिर पलट के उसको सीधी साइड हम सिलाई लगाते हैं। तो इसलिए हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई लगाएंगे। हमारी दाब सिलाई लगा के हो गई है। अब हम उसको सीधी साइड में पलटी करेंगे और ये जो कपड़ा है उसको आधा में फोल्ड करके एक कोरबा ऐसे आधा में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी हम पूरी नहीं पलटते, आधा ही आधा कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पट्टी रहती है ना, इसलिए हम आधा कर लेंगे इसको। और साइड में भी एक सिलाई लगाएंगे। फिर से एक बार देखेंगे बराबर है कि नहीं। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं इसको थोड़ा कट कर रही हूँ। अब दोनों पार्ट हमारे सेम हो गए हैं। अब हम इसको कमर पट्टी लगा के ले लेंगे। और इसको भी हम पलट के एक इसके ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे और जो आगे के लिए कपड़ा छोड़ा है उसको अंदर फोल्ड करके फिर इसके ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। और इसको पलट के आधा में पलट के एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लगा के हो गई है। और जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पोता है और फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आई है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी हम कमर पट्टी लगा के ले लेंगे। इस वीडियो में मैंने 36 साइज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों अच्छी तरह से दिखाई है। जो बिगिनर्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिंसेस कट ब्लाउज सिलने में। बहुत ही आसान होता है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज सिलना और बहुत जल्दी भी बन जाता है। ये देखिए दोनों पार्ट में अब हमारी कमर पट्टी लगा के हो गई है। अब हम गला पट्टी लगाएंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। चलिए अब हम गला पट्टी लगाते हैं। गला पट्टी के लिए मैंने एक स्ट्रेट कपड़ा लिया है, उसको डबल में फोल्ड करके उसके ऊपर गला में सिलाई लगाएंगे। और जो वहाँ पर गोल राउंड है हमारा राउंड शेप, वहाँ पर हम छोटी छोटी 2-3 चुनट देंगे। आप क्रॉस कपड़ा का निकालते हैं तो चुनट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्ट्रेट कपड़ा रहेगा तो आपको यहाँ पर चुनट लगानी पड़ती है। फिर जहाँ पर राउंड है उसको वहाँ पर हम कट लगाएंगे और इसके ऊपर एक हम दाब सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई लगाकर उसको हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। देखिए इसको हम अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर